हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंटल प्रोडक्ट, जो कि देखा जाए तो दो जगह पे है, बी फॉर्म में भी है, डी फॉर्म में भी है। बी फॉर्म को देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में आईपीसी में है, और डी फार्मा की बात करें तो फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, और दूसरे साल देखा जाए सेकेंड ईयर में तो फार्मास्यूटिक सेकेंड में है। तो हम आज जो लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो फार्मास्यूटिक सेकेंड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है केमिस्ट्री में, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको सेकेंड ईयर में पढ़नी है फार्मास्यूटिक्स में। तो डेंटल प्रोडक्ट्स को लिए आप तो नाम से जान रहे होंगे कि ऐसा कोई कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कोई कंपाउंड जो हमारे डेंटल के लिए यूज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल प्रोडक्ट। ये हमारे सिंपल से अगर हम इसको मान लें दांत है, और ये नीचे जो है हमारे मसूड़े हैं जिनको हम लोग जर्म्स कहते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, दिस इज द जर्म्स, ठीक है, एंड दिस इज द टीथ, ठीक है। आपको पता है दांत के सिंपल स्ट्रक्चर में, ये हमारा जो दांत का है ये अपर सरफेस है। यहाँ टीथ की स्ट्रक्चर की बात करें तो हेड, क्राउन और नेक तीन पार्ट में बटा होता है। ये हमारा क्राउन है, पहला पार्ट है, ये हमारा हेड है, दूसरा पार्ट है, तो लास्ट पार्ट इज द रूट, ये तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा समझने जा रहा हूँ, बहुत चीजों को समझिए। देखिए, दांत कहाँ होता है, ये हमारे माउथ के, है ना, माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है उसमें होता है हमारा दांत। हमारे जॉ में ऊपर 16 नीचे 16 एक वयस्क में 32 दांत होते हैं, और चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मेलर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2-1-2-3 करके। तो ये चीजें आप लोग ऑलरेडी एचएपी में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं डेंटल प्रोडक्ट को एज अ कॉस्मेटिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिटिक्स में, सिटिक्स में लास्ट पोर्शन जो है वो कॉस्मेटिक के रूप में है, तो कॉस्मेटिक के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, डेंटल प्रोडक्ट्स को। ये चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले के चैप्टर नंबर 6 तक के लेक्चर्स अपलोडेड है, उसका मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बनाकर डीफॉर्म सेकेंड ईयर का सिटिक्स का उस पर अरेंज कर दूंगा, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, बहुत चीज समझिएगा, एक दांत में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। पहली चीज तो दांत हमारा, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा जो मुंह है वो हमेशा खुलता है, ठीक है, 24 आवर जो हम सोते हैं उसके अलावा हमारा मुंह खुलता है, बाकी कुछ लोग का तो सोने से भी खुला रहता है। तो हमारे जब हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो एयर में होते हैं, वो हमारे माउथ में जाते हैं, और माउथ में जाकर के वो हमारे टीथ पे सबसे पहले अटैक करेंगे। तो इसलिए हमारे दांत का उनसे मतलब हमारे दांत का साफ होना और चीजों का होना, यदि क्लीन रहना बहुत ही आवश्यक है। तो हम कुछ प्रोडक्ट के नाम समझते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट सारे हो गए, मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे कॉस्मेटिक्स के या फिर केमिकल मेडिसिन के जो हम दांतों में यूज करते हैं उसको हम डेंटल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब डेंटल प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट्स आर दोस एजेंट्स विच आर अप्लाई ऑन द डेंटल फॉर क्लीनिंग डेंटिफाइसेस, ठीक है, एब्रेसिंग एंड रिमूवल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब डेंटल प्रोडक्ट्स में फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो डेंटल प्रोडक्ट्स में पहला होता है डेंटिफाइसेस। अब ये डेंटिफाइसेस क्या है इसको समझिए, ठीक है, डेंटिफाइसेस क्या है, जो दांत की सफाई करते हैं, ऐसे भी एजेंट जो दांत की सफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेंटल डेंटिफाइसेस, ठीक है। अब दांत की सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंजन करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं। तो अब मंजन भी दो प्रकार के आते हैं, आपको देखते हैं, एक पाउडर के फॉर्म में आता है, एक पेस्ट के फॉर्म में आता है। तो मंजन जो होते हैं दो प्रकार के, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। तो टूथपेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, टूथ पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये डेंटिफाइसेस क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डेंटिफाइसेस में किससे किससे मिलकर बना होता है, इसको हम पढ़ेंगे सुटिक्स के इस चैप्टर में। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होते हैं कि हमारे जो दांत में हल्के हल्के कैविटीज होती है, गड्ढे, मतलब ये हल्के जो स्पेस है, अगर हम लोग कुछ भी खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय हम उस खाने को कुछ हमारे जम्स में यहाँ पे साइड में कुछ खाने के कुछ ट्रेसेस चिपके रहते हैं, और जब कुछ खाने के ट्रेसेस चिपके रहते हैं तो जो बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है उनको मिल जाता है न्यूट्रिशन, और जहां पे भी दांतों में वो चिपके हैं भोजन के कण वो वहीं पे अटैक करके उनको खाना शुरू करेंगे, और जब वो खाएंगे तो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और बढ़ाते 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 वो आपके दांत के सरफेस को धीरे 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 नष्ट करना शुरू कर देते हैं और नीचे तक प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरीज। क्या बोलते हैं, कैरीज। आप लोग कहते हैं ना गांव में काढ़ा खा गया है दांत हमारा जो है उसमें क्या होते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, कैरीज बन जाती है, या इसको कैविटीज कहते हैं, कैविटीज बन जाती है। तो एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करके इनको रोग कैविटी बनने से रोकता है, उसको बोलते हैं एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेंड एंटी कैरीज एजेंट। क्लियर हो गया, ये हो गया एंटी कैरीज एजेंट।
तो ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, कभी कभी जब काढ़ा खा चुका है, दांत पे गड्ढे हो गए हैं, तो अब क्या होता है कि हमको इनको भरना होता है। तो इनको भरने के लिए हम जो भी कंपाउंड यूज करते हैं, कभी कभी हम चांदी सोना कुछ भरते हैं या कुछ लोग जिंक पाउडर भरते हैं, तो उसको बोलते हैं, तीसरा है डेंटल फिलर्स। डेंटल फिलर्स का मतलब होता है जो दांत के गड्ढों में कैविटीज में इसको भर दिया जाए, ताकि हमारी प्रॉब्लम जो दांत की है वो आगे ना बढ़े और लगातार ब्रश करने से सफाई होती है। इसलिए देखिए फ्रेंड, ब्रश हमेशा इंसान को करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और रात को सोते से भी करना चाहिए। रात को क्यों जरूरी आता है, क्योंकि जब हम खाना रात को खाते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में मूवमेंट कम होता है माउथ में, और अगर उस समय खाने के पार्टिकल चिपके रह जाएंगे तो रात भर बैक्टीरिया को बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है कि वो अपना काम ना करे, क्योंकि दिन में हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो दांतों में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बैक्टीरिया अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा। लेकिन रात को तो एकदम रिलैक्स है, हम कुछ कर नहीं रहे, और खाने के पार्टिकल अगर चिपके हैं तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे और धीरे धीरे आपके दांतों को खराब करना शुरू कर देंगे। इसलिए नाइट को सोते समय ब्रश करने की जरूरत डाले। अब फ्रेंड, इसमें जो एंटी कैरिजेंट है और डेंटल फिलर्स है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा है किसमें, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर में हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, डेंट्री फाइसेस के बारे में। तो डेंट्री फाइसेस क्या होते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसे एजेंट होते हैं जो दांतों की सफाई के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं डेंट्री फाइसेस। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी सफाई के लिए, उनके एब्रेसिवनेस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट, डेंट्री फाइसेस। तो डेंट्री फाइसेस आर दोज डेंटल प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, एंड दे बेसिकली यूज टू स्मूथ एंड फॉर द स्मूथ एंड क्लीनिंग ऑफ डेंट्स, यानी टीथ्स। ठीक है, फॉर टीथ्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया। तो अब डेंट्री फाइसेस जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए, आपके जो मंजन है उस मंजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंट्री फाइसेस। तो इसके अंदर बेसिकली पांच प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, इट मस्ट बी क्लीन टीथ, रिमूव ऑयली सर्फेस। पहला तो ये कि जिसके लिए बनाया गया वो काम करे, हमारे दांत को पूरी तरह से क्लीन करे, और क्लीन करने के साथ साथ जितने भी अगर ऑयली सर्फेस वो खाने में चिपके हैं, हमने कुछ खाना ऑयली खाया तो दांत में कुछ ऑयली चीज चिपक जाती है, उनको बहुत आसानी से रगड़ के बाहर निकालना, ये पहला काम होता है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके अंदर। दूसरी है रिमूव डेब्रिस फ्रॉम सर्फेसेस, यानी कि अगर दांतों के अंदर कुछ कण चिपके हैं किसी भी चीज के, फूड के या फिर किसी भी ग्रेन के, तो जो डेब्रिजेस होते हैं, डेब्रिज होता है अब जो कूड़ा करकट है खाने का, वेस्ट है, उनको रिमूव करना चाहिए सर्फेस से। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं कर रहा है तो कहेगा डेंट्री फाइसेस। तीसरा है इट मस्ट रिमूव बैड ऑडर, इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लेवर होना चाहिए, कि अगर हम ब्रश करें तो हमारे मुंह से जो दुर्गंध आती है, क्योंकि हम खाना, अगर देखो दुर्गंध क्यों आती है पहले इसको समझिए फ्रेंड, अगर हमने खाना खाया और खाने के पार्टिकल हमारे दांत में चिपके हैं और हमने बहुत देर तक ब्रश नहीं किया या एक दो दिन ब्रश नहीं किया, तो वो जो खाने के पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया उसको धीरे 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 खाना शुरू कर देते हैं और अपना वेस्ट निकालना शुरू करते हैं, और जो बैक्टीरिया अपना वेस्ट निकालते हैं वही बदबू करता है, तो इसलिए बैड ऑर्डर आता है, मुंह से दुर्गंध आती है। तो उसके लिए क्या होता है, इसका मेन तीसरा पर्पज ये होना चाहिए कि हमारे दांतों से, हमारे माउथ से बैड ऑर्डर जो दुर्गंध है उसको रिमूव करे, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। चौथा, इट इम्प्रूव्स, इट मस्ट इम्प्रूव हेल्थ ऑफ जम्स, ये जो जम्स आप जानते हैं मसूड़े जिसे कहते हैं, जो हमारे दांतों को पकड़ के रखता है और इनको न्यूट्रिशन देता है, अगर जम्स बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी क्या होती है, इसको डैमेज करते हैं, इसके लेयर को नष्ट करते हैं, हमको छाले पड़ते हैं। तो इट मस्ट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ जम्स, ये दांतों के साथ साथ मसूड़ों की भी स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसको मजबूत बनाए और उसको हेल्दी रखे। एंड द लास्ट वाली, इट मस्ट प्रोवाइड गुड फ्लेवर, और इसके साथ साथ ये हमको एक फ्लेवर अच्छा आना चाहिए, ताकि हम जो ब्रश करें तो हमारे मूड सही हो जाए या हमारा जो मन है वो सही रहे, ऐसा जो फ्लेवर बहुत कड़वा है और ब्रश कर रहे हैं तो फिर हमारा मन नहीं हो रहा है ब्रश करने का, जैसे ये नीम की दतून बहुत लोग गाँव में करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये होता है प्रोवाइड गुड फ्लेवर। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारा हो गया हेडिंग आइडियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट शुड बी, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर डेंट्री फाइसेस। डेंट्री फाइसेस जब हम बनाते हैं तो कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिक्स में, ये केमिस्ट्री से यही डिफरेंट है, जो केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं सूटिक्स में पढ़ते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की, जीपैट की, तो बाकी एग्जाम की, तो उसमें इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं।
की बताएगा, तो ये सोडियम सल्फा सक्सिनेट ये किस कौन सा इंग्रेडिएंट है ना, सोडियम पैराबेन ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, चार ऑप्शन दे देगा, प्रिजर्वेटिव और आपका इसके साथ साथ है ना ह्यूमेक्टेंट बाइंडर, ये सब करके आपको ऑप्शन देगा। तो हम बात करने जा रहे हैं इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो सब्जी जो समोसा की बात करते हैं, अगर हम समोसा बनाते हैं तो समोसा में मैदा है, आलू है, मटर है, प्याज है, लहसुन है, तो वो इसके क्या है, इंग्रेडिएंट है। उसी तरह जब डेंटल फाइसेस बनाते हैं तो हम जिन जिन चीजों का यूज करते हैं उसे हम उसका इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली इंग्रेडिएंट की बात करें तो डेंटल फाइसेस में सात इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। पहला तो हमारा मेडिकामेंट है, मेडिकामेंट जो भी हमारा होता है जिससे हमारे दांतों के कीड़े मड़े मरते हैं, एंटी जो भी बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। उसके बाद सात इंग्रेडिएंट में सबसे पहला होता है पॉलिसिंग एजेंट, जिसको एब्रेसिव बोलते हैं। अब पॉलिसिंग एजेंट का क्या काम है फ्रेंड, आपको नाम से ही लग रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिएगा। बेसिकली क्या करता है, ये खुरदुरा सरफेस होता है, पाउडर होता है। आपने देखा वो जो मंजन होता है ना, उसमें सफेद सफेद पाउडर होते हैं, वो पाउडर क्या होता है, वो रफ सरफेस होता है। वो दांतों के ऊपर जब रगड़ खाता है तो दांतों में साइनिंग आती है, दांतों में क्या आती है, चमक आती है। तो बेसिकली पॉलिसिंग एजेंट का काम क्या है, इसको एब्रेसिव काम क्या होता है, कि दांतों की चमक को बरकरार रखता है, दांतों को सफेद रखता है, जो उसके ऊपर पीली लेयर पड़ जाती है उस पीली लेयर को नष्ट करके सफेद रखता है। तो पॉलिसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज एब्रेसिव एजेंट। दीज एजेंट आर बेसिकली टू मेक एब्रेसिव सरफेस, मतलब हम कह सकते हैं कि दिस एजेंट आर यूज बेसिकली फॉर द पॉलिसिंग ऑफ टीथ एंड फॉर दियर साइनिंग। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, चपनाक चमकाता है एंड प्रोवाइड दियम साइनिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें कौन एग्जाम्पल होते, सारे कैल्सियम वाले एग्जाम्पल है, जैसे कैल्सियम कार्बोनेट जो चौक होता है, चूना होता है, कैल्सियम फॉस्फेट, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये चार इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत याद है, जरूरी याद रखिएगा, अंडरलाइन करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो। सरफेस एक्टिव एजेंट की बात करें तो उसको बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं कि जो उसके अंदर धूल थक्कड़ है, फूड के पार्टिकल है, जो गंदगी है उनको नष्ट करता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो हमारे दांत के किनारे किनारे कोने कोने पर जाकर के सारे गंदे पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वायरस को मार के अलग करते हैं, उनको बोलते हैं सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एक्टिव एजेंट डिटर्जेंट्स आर एजेंट्स विच आर बेसिकली किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिमूव द डस्ट पार्टिकल इन साइड द टीथ, इसको साफ करते हैं। इसमें बेसिकली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द सोडियम लॉरिन सल्फेट, ये हर दांत आपको टूथपेस्ट में मिलेगा ही मिलेगा, सोडियम लॉरिन सल्फेट ये सबसे एग्जाम्पल बेटर एग्जाम्पल है, और सोडियम सल्फो सक्सिनेट ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, किसका है, सरफेस से। तो आप याद रखिएगा ट्रिक से कि सा से सरफेस और सा से सोडियम, सोडियम वाले कंपाउंड जहां पे दिख जाए वो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, ठीक है, और कैल्शियम वाले जहां पे दिख जाए वो पॉलिसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जो होता है आप देखते हैं काला काला जूता साफ करते हैं तो काला कैल्शियम याद करिए कुछ पॉलिश करने के लिए, तो कैल्शियम वाले जो होते हैं वो पॉलिसिंग एजेंट ही होते हैं और सोडियम वाले वो सर्फेक्टेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट क्या होता है फ्रेंड, ह्यूमेक्टेंट क्या है कि जब हम लोग टूथ पाउडर बनाते हैं तो टूथ पाउडर में ह्यूमेक्टेंट का यूज गलती से भी नहीं करते। ये बहुत एग्जाम में बड़ी सारे एग्जाम पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन इंग्रेडिएंट बिटवीन टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर, टूथ पाउडर में कभी भी ह्यूमेक्टेंट का यूज नहीं करते, इसको बहुत याद रखिएगा, ये टूथपेस्ट के लिए होता है। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है फ्रेंड, कि आपका जो टूथपेस्ट है वो गीला होता है और पेस्ट फॉर्म में ही गीला रहना चाहिए। अगर क्या होता है, कभी कभी आपने ढक्कन खोल दिया और ढक्कन खोल के रख दिया तो आप क्या देखेंगे, पूरा मंजन सूख जाएगा। लेकिन आप कभी टूथपेस्ट को खोलिए, ढक्कन खोल के आप रख दीजिए, दो दिन बाद ही आप देखेंगे वो सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें होता है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का बेसिकली काम क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एटमोस्फियर से और पूरे मीडियम को गीला रखता है। ठीक है, तो ह्यूमेक्टेंट आर बेसिकली दोज एजेंट विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द नेचर एंड मेक द होल पेस्ट इनटू मॉइस्टेन फॉर्म या वेट फॉर्म, उनको गीले रखता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरीन, सबसे अच्छा एग्जांपल, आसान एग्जांपल है ग्लिसरीन। दूसरा है सॉर्बिटॉल, तीसरा है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तीनों एग्जांपल बहुत फेमस है, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये सारे क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट होते हैं, जो गीला रखते हैं। अगला है बाइंडर। बाइंडर क्या होता है फ्रेंड, कि हमारे टूथपेस्ट में ढेर सारे इंग्रेडिएंट है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडर, पॉलिसिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट, तो सारे एजेंट है और सबका नेचर अलग है, कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उन सबको एक साथ जोड़ना, अगर जब तक सारे आपस में मिलेंगे नहीं तो टूथपेस्ट पहले कैसे पता चला, ढक्कन खोला तो बाइंडर अलग निकल रहा है, फ्लेवर अलग निकल रहा है, तो अलग नहीं होना चाहिए, वो सारे मिले होने चाहिए। तो सबको जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं बाइंडर, नाम से लग रहा है बाइंड करने वाला, जैसे पंडित जी होते हैं ना, लड़की लड़का को बाइंड करते हैं, गठबंधन कराते हैं, वही हो गया
है हमारा बाइंडर। इसका एग्जांपल है बेसिकली गम क्रेका कैन, गम कराया और सोडियम एल्जिनेट। ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गम क्रेका, देखो गम मतलब होता है गोंद, तो गोंद ही तो जोड़ेगा, तो गम ये भी है, गम ये भी है, गम क्रेका कैन है, ये गम कराया है और ये सोडियम एल्जिनेट। ठीक है, तो लास्ट पांचवा है फ्रेंड हमारा स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट आप जानते हैं क्या होता है, कि जो क्या करता है हमारे बेसिकली हमारे टूथपेस्ट को थोड़ा सा मीठा रखता है। हमारे देखिए छोटे बच्चे क्यों टूथपेस्ट चाटते रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी मिठास आती है। तो क्योंकि स्वीटनिंग एजेंट अगर हम नहीं डालेंगे तो जो बाकी एजेंट है उनके जो स्वाद आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा कड़वापन या फीकापन आएगा, तो टूथपेस्ट कोई करेगा नहीं। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। और इसमें बेसिकली हम लोग फ्रेंड यूज करते हैं सैक्रीन। ठीक है, इसमें यूज करते हैं क्या, सैग्री। सैग्री बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मीठापन रखता है। तो स्वीटनिंग एजेंट क्या रखते हैं, हम इसको कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि स्वीटनिंग एजेंट आर दोज एजेंट व्हिच इंक्रीज द टेस्ट, इंक्रीज द टेस्ट ऑफ आवर टूथपेस्ट। बेसिकली सैग्री इज यूज्ड एज द स्वीटनिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट फ्रेंड क्या होता है, कि हमको मंजन किस फ्लेवर में रखना है। आजकल तो फ्लेवर का जमाना आ गया है, आपको बनाना फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, सनसेट फ्लेवर, तो जो फ्लेवर आपको चाहिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने की, तो आपको सुगंध अच्छी रहेगी तो आप थोड़ा सा अच्छे से उसको परचेज करेंगे। तो दीज एजेंट्स आर यूज बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द नेट्रीफाइसेस, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब फ्लेवरिंग एजेंट में क्या होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, एसेंस होते हैं, वो जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। तो लास्ट वन इज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव फ्रेंड्स क्या होते हैं, कि हमारा सारा प्रोडक्ट जो है अगर कभी कभी एयर के वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसमें बैक्टीरिया वायरस इंसर्ट कर सकते हैं और इसको नष्ट कर सकते हैं। तो हमारे सारे प्रोडक्ट टिल द एक्सपायरी डेट तक सही सलामत बने रहें। ठीक है, टिल द एक्सपायरी डेट तक सही सलामत बने रहे। उस सही सलामत बने रहने के लिए क्या होता है, बेसिकली फ्रेंड क्या करते हैं, हम लोग उसमें प्रिजर्व डालते हैं, बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ उसके अंदर ना हो और हमारा टूथपेस्ट टूथ पाउडर सही समय बना रहे। तो बेसिकली इसमें प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज करते हैं पैराबेन। पैराबेन एक वर्ड याद रखिएगा, प्रिजर्वेटिव का बहुत खास चीज होता है जिसको पैराबेन कहते हैं, पूरा नाम होता है पैराबेंजोइक एसिड। तो पैराबेंजोइक एसिड जो होते हैं वो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो पैरा प्रिजर्वेटिव, पैरा प्रिजर्वेटिव। तो पैराबेन में अगर मेथिल लगा दो तो मेथिल पैराबेंजोइक एसिड, अगर सोडियम लगा दे तो सोडियम पैराबेंजोइक एसिड। तो ये क्या है, इसके अलग अलग एग्जांपल, मिथाइल पैराबेन, सोडियम पैराबेन। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है जो हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे कि कुछ फार्मूला एग्जाम में कभी कभी आपसे जब डेंट्रीफाइसिस पूछेगा तो आप एक फार्मूला लिखें। फार्मूला कैसे लिखेगा, जिसे ये सारे कंपाउंड दिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्जिनेट, ये कितना कितना, मान लो 100 ग्राम बना रहे हैं हम लोग तो उसमें 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, तो उसके फॉर्मूले के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ, फॉर्मूला ए, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला सी। तो बेसिकली आपके स्क्रीन के सामने है फॉर्मूला ए, फॉर्मूला बी, फॉर्मूला सी। आप इसको स्क्रीन को लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। देखिए जो फॉर्मूले फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला ए है बेसिकली वो हमारे टूथपेस्ट के लिए है जिसमें हम लोगों ने डिटर्जेंट नहीं मिलाया है, ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फॉर्मूला बी है वो बेसिकली हमारा वो भी टूथ पाउडर के लिए है, टूथपेस्ट के लिए है जिसमें हमने डिटर्जेंट मिलाया है और इनको बनाने का तरीका भी अलग होगा थोड़ा सा। और फॉर्मूला सी जो है वो टूथ पाउडर का है। तो तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और उसको याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ टूथपेस्ट। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि हम जब टूथपेस्ट बना चुके हैं, टूथ पाउडर बना चुके हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा सही बना है। तो उसके लिए हमको अलग अलग चीजें चेक करनी होती है, जैसे कि कलर, कलर भी आप चेक कर लीजिए वो कैसा है, जो कलर आपने चाहा है, सफेद है उसमें कहीं कहीं बीच पीलापन तो नहीं दिख रहा है, पार्टिकल तो नहीं दिख रहा है, कलर से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब हम उसको सूंघ करके चेक कर सकते हैं, उसका टेस्ट जो उसकी महक है वो बदल तो नहीं गई है, खराब तो नहीं, बदबू तो नहीं कर रहा है, उससे हम जान सकते हैं वो एवेल्युएशन ठीक है कि नहीं है। टेस्ट हम चेक कर सकते हैं, चीक करके, टेस्ट करके, है ना, टेस्ट करके हम जान सकते हैं। पीएच क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इसका तरीका होता है फ्रेंड कि हम 100 ml पानी, 150 ml पानी लेते हैं और उसमें से 10 ml अपना टूथपेस्ट निकाल के उसको मिला करके गर्म पानी में भिगा कर उसको घोल देते हैं। घोलने के बाद ठंडा करके उसका पीएच चेक करते हैं कि उसका पीएच कितना है। पीएच उसका हमारे माउथ के हिसाब से 7 से कम होना चाहिए और 4.5 से ऊपर होना चाहिए, उसके बीच में आपका पीएच एडजस्ट होना चाहिए। फोबेबिलिटी मतलब क्या है, आपका जो टूथपेस्ट है वो झाग दे रहा है, जो माउथ में डालते हैं तो वो रब करते हैं तो झाग निकलता है, फोम निकलता है, तो वो फोम आ रहा है कि नहीं, उसके लिए सोल्यूशन डालते हैं, उसको करते हैं। विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बहुत कम विस्कोसिटी होगी तो ट्यूब के अंदर से बहने लगेगा, तो विस्कोसिटी को चेक करते हैं। ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं, है ना, एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं, बेसिकली यही सब पूछा जाता है कि किस किस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं हमारा क्या जो टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, वो कैसा है।
तो फ्रेंड ये हमारा चैप्टर नंबर 7 डेंटल प्रोडक्ट खत्म हो गया है, बस इतना ही था। एंटी कैरीज और डेंटल फिलर्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो आपके डिफॉर्म के हिसाब से इतना ही काफी था। हम लोग चैप्टर नंबर 8 लेके आएंगे, इसमें हमारा क्या है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो हम नेक्स्ट क्लास में सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।